ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। देश भर में 1000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार काफी चिंतित है। देखिए इस रिपोर्ट में। देश में हाहाकार पैदा कर दिया कोरोना ने, फिर से अपना पैर पसारना आरंभ कर दिया है और कोरोना के नए मरीज दिखने भी लगे हैं। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट XBB ने 1000 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। फिलहाल इस नए वेरिएंट XBB से अब तक किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन यह वेरिएंट काफी घातक बताया जा रहा है। एक दिन में ही कोरोना के नए वेरिएंट के 117 केस सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ से लगे महाराष्ट्र में एक दिन में 280 नए केस मिले हैं, जिसके कारण अब चिंताएं बढ़ गई हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए चिंता जाहिर की और बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक लेकर स्वास्थ्य की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक को सावधानी बरतने एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य से महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की सीमा लगी हुई है। छत्तीसगढ़ से लगे राज्यों में एक बार फिर से कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में एक ही दिन में 280 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में इंडियन न्यूज आप सबको सावधान कर रहा है ताकि आप कोरोना से बचे रहें। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ में मैं ईशा साहू, इंडियन न्यूज भिलाई। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।